फुरम लेपर्ड लेपर्ड चाक भात का प्रोग्राम हो रहा है। अरे डांस हो रहा है, मेरे कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, जीमड़ा भी नहीं है, दिल को छू लेती है। पता है वो कौन सी आवाज है? ओए होए, नाम बता, तू चला सकती है इस ट्रैक्टर को? मैंने तो चला लिया। मैं चला सकती हूँ पर मेरा मूड नहीं है। फिर क्या है तेरा मूड? आई लव यू। जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको इसके पेड़ भी दिखाए थे, तम्बाकू की जीवड़ी बोलते हैं, रस्सी बटते हैं ना गोला बना के, फिर इसको ऐसे बांध दो। तो गाइस ये है तम्बाकू, जो गांव के अंदर देसी तम्बाकू होता है, हुक्के के अंदर पीते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तम्बाकू का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसकी कुटाई करके इसको कूट के गर्म किया जाता है ना, कुड़ को पानी मिला के, अगर उसकी लपटी बन जाए, उसको लाट भी बोलते हैं एरिया में, कूट के और उसमें मिक्स करके तब जाके फिर हुक्के में पीने लायक तम्बाकू बनती है। तो गाइस अभी हम आ गए ऑफ रोड ड्राइविंग करते हुए, हम जा रहे हैं घूमने। हाय, ये देख आए कर रहा है, देख मेरे से। तो गाइज पहले की बात बता दूं, पहले अभी ये खाली कर रखा है, ये कुंड चालू नहीं है। जब पहले कुंड बना था तो हम लोग यहाँ पे नहाया करते थे। तो गाइज अभी तो फिलहाल ये वाला कुंड भी खाली पड़ा है। पहले क्या करते थे ना, हम लोग वहाँ ऊपर से कूदते थे, जयलाल और मैं वहाँ पे खड़े होकर नीचे कूदते थे और नहाते थे। तो गाइज ये है मंदिर, 11 रुद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर। और गाइज मैं आपको बता दूं, आर्यन घर से तो आके आता नहीं है, उसने यहाँ पे एक गुप्त गुफा ढूंढ रखी है अपने नहाने के लिए। मैं आपको दिखा दूं, ये देखो गाइज, ये है पुराने जमाने की ऋषि मुनिया वाली गुफा जो आर्यन ने ढूंढ रखी है। ये देखो, ये यहाँ पे नहा रहा है। और गाइज पानी देखो कहाँ से आता है, आपको वो दिखाई दे रहा है ना पाइप, उसमें से धीरे 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 करके पानी ऊपर पहाड़ों में से आता है, तो अभी थोड़ा फ्लो कम हो जाता है जब गर्मियां आती है। यहाँ पे आर्यन आके अपना नहाता आराम से। कैसा लग रहा है, चिल आउट, ठंडा पानी है? तो गाइस कोरोना के चलते सारा बंद कर दिया है, और ये आपको जो सामने दिख रहा है स्नान कुंड था, लेकिन अभी कोरोना चल रहा है तो सारा पानी इन्होंने खाली करवा रखा है, नहीं तो पहले ये भी भरा रहता था, वो भी भरा रहता था। कितनी बोतल भर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कई दिन तक काम आएगा ये पानी। यहाँ से पानी इसलिए भर के लेके जाते हैं क्योंकि जो ये वाला पानी है ना, ये बहुत लाइट पानी है, जैसे आपको फील होगा कि आप आरओ का पानी पी रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, क्योंकि ये पानी पहाड़ों से आता है और पहाड़ों में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो ये पानी बहुत ही हेल्दी है। और इस पानी की एक खासियत और है कि इस पानी को यूज करने से जो अपन खाना बनाते हैं ना, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो बहुत कम तेल यूज होता है। सही हवा ले रहा है बंदर आराम से बैठ के खिड़की में। पापा इनको डायलॉग मार रहे हैं, सारे बोतल लेकर आया ना। कौन सा डायलॉग मार रहे पापा? बेटे मौज कर दी, डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है। तो देख लो गाइस, पापा बना रहे हैं तम्बाकू, तम्बाकू का प्रोसेस होता है, अब इसके अंदर गुड़ मिला दिया है, और गुड़ मिला के इसको सुखाएंगे या वैसे ही रख देंगे पापा? ऐसे ही रखेंगे। तो गाइस ये है गुड़, और इस गुड़ को पहले मतलब गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में इसका कलर है इस तरीके का हो जाता है, और उसके बाद ये तम्बाकू में मिलाते हैं, फिर उसके बाद तम्बाकू रेडी, तुरंत तैयार हो जाएगी। तैयार होगी, शादी मतलब हमारे घर में नहीं, साइड में शादी है, तो वहाँ पे चाक भात का प्रोग्राम हो रहा है। अभी दिन में ये चाक वगैरह पूज रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं वह चाक किस तरह से पूजते हैं। वैसे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में काफी दिखाया था, तो चलते हैं। डांस करोगे अभी? सारे डांस हो रहे हैं, देखो इनको उठाओगे नहीं आप अभी? बहुत धूप पड़ रही है, बट रस्में तो निभानी पड़ती है। फिर भी मैं तो थोड़ी सी लेट गई थी, अभी घर जाएंगे तो जो जीजा वगैरह होते हैं वो उतारते हैं उनको। तो गाइस इस लड़की को देखो, सुबह से इसने खट्टा मीठा नमकीन पूरी खत्म कर दी है। क्या करे, कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, जीमड़ा भी नहीं है। इसको ये बोला गया था सुबह सुबह चून का नोता, मतलब ये होता है कि आज घर में खाना नहीं बनाना है आज, मतलब जिनके घर में शादी वादी होती है तो उनका मांडे वांडे का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे खाना खाना है, लेकिन अभी 1 से 1.5 बज चुके हैं और ये सुबह से भूखी है, इसलिए इसने पूरा खट्टा मीठा खत्म कर दिया। अगर तो कुछ खा के तो काम चलाए, हम क्या करे। तो गाइस गर्मी के चलते हुए यहाँ पे सोनम पी रही है माउंटेन ड्यू। मैं पी लेती हूँ, बहुत गर्मी लगती है। सबसे ज्यादा राजस्थान के लोग पीते होंगे ड्यू, पता है। गाइस आप बगल में गाने सुन रहे हो ना, तो उनमें से एक ऐसी फेमस आवाज निकल के बाहर आती है ना, जो दिल को छू लेती है। पता है वो कौन सी आवाज है? ओए होए, ऐसे बीच में डीजे वाला रिमिक्स करता है ये करके, फील के साथ। ओए होए, ये बंदा तो वैसे तो ठीक करता है लेकिन अभी फील लेके नहीं कर रहा। अब मैं इसको एक चांस और दूंगा, जैसे फील लेके करती है ऐसे मैं समझ गई तू कैमरे के सामने देख रही है। ओए होए, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार,
तो एक काम कर साले नौकर गेट खोल के आ जा, फिर तेरे को घुमा के लाऊंगा। ढंग से रैंप वॉक करके दिखाओ। अब वापिस आओ चल के। अब तू कह रही है घुमा के ला, अब मैं तेरे को बाहर तो लेके जा नहीं मैंने सकता। मैंने कब बोला घुमा के लाओ? तू बोल रही थी अभी झूठ बोल रही है। झूठ बोलते हो? तेरे को पता है राजस्थान में भी लॉकडाउन लग गया, दिल्ली की तरह परमानेंट है। हाँ है। हाँ है। गेट खोल के आ जा। चलो चलो जल्दी बैठो। गर्मी बहुत है यार बाहर, इतनी गर्मी होती है कि हम बाहर शूट ही नहीं कर पाते हैं और मन भी नहीं करता बाहर निकलने का। अभी शाम के 5:30 का टाइम हो रहा है और ये पता है क्या है, यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। सोरम दिखाओ एक बार। यहाँ पे सनराइज भी एकदम से होता है और सनसेट भी एकदम से होता है। अंधेरा होने से पहले जो भैरव जी का मंदिर है बिल्कुल पास में ही, 1 से 1.5 किलोमीटर है। आपको पता है दिल्ली के अंदर भी कालका जी के अंदर भैरव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी शराब चढ़ाई जाती है। ऐसी कोई भी चीज हम कभी भी प्रमोट नहीं करते, आपको इन सब चीजों का सेवन करना भी नहीं चाहिए और ये सब चीज गलत होती है। लेकिन जो हमारी धार्मिक आस्था है तो वो भैरव जी के स्थान पे उनको शराब चढ़ाई जाती है। गाइस हम तब जब भी आते हैं ना यहाँ पे, हर बार आते हैं, हर बार, और आना भी चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे आने के बाद है ना मन को इतनी ज्यादा शांति मिलती है, ये इतना पीसफुल एरिया है, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ देखो आप सुन रहे होंगे, महसूस करके देखो तो कितना पीसफुल लगता है। तुझे याद है लास्ट टाइम हमने तेरे को यहाँ पे डराया था? हाँ, अब नहीं डरती मैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब बड़ी हो गई, पहले बच्ची थी। हाँ, लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे इतनी धूप है और उन पहाड़ों पे देखो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। कल भी हमें लग रहा था हम वीडियो शूट करेंगे बट हम कर ही नहीं पाए, एकदम से सूरज डूब गया। गाइस ये है भैरव जी का स्थान और पता है यार यहाँ पे थोड़े पत्ते वत्ते गायब हो गए ना, तो अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा बंजर बंजर सा। एंड अभी गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि यहाँ पे भी इसमें हमेशा पानी भरा रहता था, ये भी सूख चुका है। सोनम आपने क्या मन्नत मांगी? वो नहीं बता सकती, पूरी हो जाएगी तब बताऊंगी सबको। मेरी दो बड़ी बड़ी विश है, वो मैं नहीं बता सकती। अच्छा, तेरी बड़ी बड़ी विश है लेकिन बताएगी नहीं तो किसी को भी? हाँ। और देखो तुम्हारा हाथ पे एक चीज बताती हूँ, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सारे बाजरे चिपका के लेके आए हो तुम। तो हमने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये बोला था कि भगवान देखो कंटेंट बनाना मेहनत करना वो तो आपके ऊपर है, भगवान सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है वो भी मेंटली, लेकिन मेहनत करना तो आप ही के हाथ में है। तो भाई हमने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, दिन रात मेहनत करी तो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1 मिलियन पे जरूर हमें पहुँचाओगे। फटाफट लाइक कर दो यार, देर की बात की, जल्दी से जाओ फटाफट से दबा दो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। पोज बनाओ उस रूम लेपर लेपर। अरे कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तू तो कह रही थी ना मैं तो बड़ा हो गया डरता ही नहीं हूँ। तू तो कह रहा था ना मैं तो डरता ही नहीं हूँ। मैंने मजाक करा था। अरे देखो गाइस कितना बेवकूफ बना रही है। मैंने मजाक करा था। खा अपनी मम्मी कसम। मैं क्यों खाऊं? कसम खाने को बात ही नहीं है। मुझे नहीं खिंचवा रहे तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, अब की बार पक्का खिंचूंगा, तेरी कसम मैं मजाक कर रहा था। तो यार तू मुझे लगा कि यार तू बड़ा हो गया होगा तो डरेगा नहीं। पूरा सिस्टम लगा रखा तो ना तो गाइस ये ट्रैक्टर जितना बड़ा खुद है नहीं लेकिन ट्रैक्टर चला लेता है। ये देख क्लिच और ये ब्रेक। सोनम मैंने आज तक है ना ट्रैक्टर चलाया नहीं। उल्टा देगा ट्रैक्टर। बस चलाने में क्या है, इसमें कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना चलाने में। देखो गाइस इसने अपने ट्रैक्टर को बहुत बढ़िया सजा रखा है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ लगाना बाकी है भाई? पूरा इसने सजा रखा है अच्छी तरीके से, बढ़िया वाला। अभी जैसी मैं ड्राइव करने का लाइट चलाई है, रोज का यही सीन है। और जैसी हम वीडियो बनाने की सोचते हैं ना सूरज उगता है और ढल जाता है। यहाँ पे टाइमिंग ऐसी है कि एक पहाड़ है, एकदम से सूरज आता है और एकदम से जाता है। नाम बता, तू चला सकती है इस ट्रैक्टर को? मैंने तो चला लिया। मैं चला सकती हूँ पर मेरा मूड नहीं है। फिर क्या है तेरा मूड? अभी मेरा मूड नहीं है अभी, ठीक है यार, माइंड की बात होती है, लगता है तो चला लो ऐसे ऐसे। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको कुछ करना आता नहीं है लेकिन वो डिनाई कर देते। बहुत स्वीटली डिनाई करा आपने। पागल बोनट पे बैठ के चला के देखा फिर मान लो तेरे को। देखो ये ताई जी क्या कह रही है, कल हमने इनकी फोटो ली थी, ये कह रही थी कि मैं नहा धो ही नहीं थी, अब मैं नहा धो के आई हूँ, अब फोटो लो। अब चुप हो गई बिल्कुल।
एक बार बोला आई लव यू, मजा नहीं बनता। आप तो बोल तू कर देगा, कोई बात नहीं वो कर देगा, आप बोलो जब छोड़ूंगी आ जाओ हमको। आई लव यू, मैंने एक बहुत अच्छा घर ढूंढा है, है ना, अगर तू चाहे तो उसके अंदर रह सकती है। 5-star होटल से भी बढ़कर घर है और तू 1 night स्टे कर सकती है उसके अंदर। सामने दिख रहा है, इसमें तो बकरियां बांधते हैं। टाटी बोलते इसको, टाटी लकड़ी की टाटी। अमरेंद्र बाहुबली आ गए। अमरेंद्र बाहुबली, और सर हमें भी थोड़ी टिप्स वगैरह बता दो, करके तो दिखाया इसने अभी ये वाला। सर आपकी सेहत का राज क्या, क्या खाते हो आप सुबह शाम, अगर हमें भी आपकी जैसी बॉडी बनानी हो तो। सुबह एक तरह बड़ा गिलास चाय, दोपहर में 2 roti, फिर चाय एक तरह बड़ा गिलास, फिर शाम को दूध राबड़ी, फिर चाय। तो मेरी आंखों में चुभ रहा है। कह रहा है मेरी आंखों में चुभ रहा है। कैसी हो? मैं कौन हूँ? शांति नहीं है दादी, अब जाने के पुराने घर है, अभी भी रहते हैं इनमें। ये पहले पुराने ऐसे ही घर बनाए जाते थे, अभी भी देखो इनको बोलते हैं कोठार। मीट माय वन मोर न्यू भाभी, हमारे पास भाभियों की कोई कमी नहीं है। बढ़िया, चलो और बताओ। चलो इधर देखो, और ये हमारी न्यू भाभी, अभी हमारे को चाय के लिए इनवाइट कर रखा है, तो हम सोच रहे डोल तो वैसे ही रहे, चाय पी लो। ये सही है, ओपन रसोई देखो गाइस, ये ओपन रसोई। तूफान आया था कि भाभी टूट गई है? तूफान आया था, तूफान आया था कि टूट गई? नहीं तो ऐसी लग रही है, पर बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। लोग वहाँ कैंपिंग करने आते हैं यार, दूर दूर से पैसे दे के, यहाँ एक नेचुरल चीजें मिलती हैं। देखो प्राकृतिक कौवे, प्राकृतिक भाभी, चूल्हा और बगल में खेत। देखो गाइस वो रहा हमारा घर, इतनी सारी क्यों बना दिया आपने? छोटे छोटे से तो बहुत खेला करते थे इसमें, लेकिन अब ये सब खंडर हो गया है। पहाड़ों में जाते हैं ना, तो पहाड़ों में बहुत जबरदस्त कांटे होते हैं जो चुभ जाते हैं, तो हम है ना उन कांटों को निकालने के लिए इन वाले कांटों का यूज करते थे। इसकी लाइफ देख लो भाई, अब बच्चा हो गया इसके घर में, तो इसकी जिंदगी बच्चे की रखवाली में है। कह रहा हूं तुम्हारे होने दे, घूमे रहो घूमे, दिल्ली शहर में। तो गाइस सोनम और पापा दोनों एक कैटेगरी के, दोनों को एक ही चीज से मतलब है, खाने पीने से। मेरे पीछे देखो आप, बच्चे आराम से यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं अपने। मैं क्या कह रहा हूँ इन बच्चों को कि यार मेरे को भी क्रिकेट खिला लो, मेरे को काफी दिन हो गए क्रिकेट खेले हुए। नहीं अब तुम्हारी उम्र नहीं है, पर उम्र खेलने की कोई उम्र नहीं होती है, लपड़ वाली है। वाओ क्या बात है। हाँ आराम से खेलना। सो गाइस ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।